झूठे लोगों की 10 निशानियाँ। थोड़ा समय निकाल कर जरूर पढ़ें। नंबर 1, पसीना आना। झूठ बोलना अच्छे अच्छे झूठों का पसीना छुड़ा देता है। अगर सामने वाले को बहुत पसीना आ रहा है तो समझ जाइए कि ये शब्दों का तनाव है जो उस पर हावी है। पसीना आना तनाव की बहुत पक्की निशानी है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। नंबर 2, चेहरे पर गौर करें। जब आपको लगता है कि सामने वाला आपसे झूठ बोल रहा है तो उसके चेहरे को गौर से देखें। झूठ बोलते समय चेहरे के भाव बिल्कुल बदल जाते हैं। झूठ बोलते समय गालों का रंग बदल जाता है क्योंकि भीतर झूठ को पकड़ने को छिपी चिंता से लोग मन ही मन शर्मिंदा रहते हैं। इसके अलावा नाक के नकुने फूल जाना, गहरी सांस लेना, बार बार पलके झपकाना और होंठ चबाना इस बात की निशानी है। नंबर 3, मुस्कुराहट से पकड़ें। मुस्कुराहट भी कई बार सच्ची भावना बयां करने का काम करती है। आप किसी का झूठ पकड़ना चाहते हैं तो इस बात पर ध्यान दें कि सामने वाला मुस्कुरा कैसे रहा है। सच्ची मुस्कुराहट होठों और आंखों से झांकती है, लेकिन झूठे शख्स की आंखों से मुस्कुराहट नहीं होती। नंबर 4, आवाज़ में बदलाव को पहचाने। हालांकि झूठ बोलने वाला कई बार इतनी सफाई से झूठ बोलता है कि आप उसकी आवाज़ से उतार चढ़ाव को पहचान नहीं पाता, लेकिन आप अगर बोलने की गति और सांस के पैटर्न पर गौर करें तो जानेंगे कि झूठ बोलते वक्त इन दोनों में बढ़ोतरी होती है या फिर कमी। अगर ऐसा है तो संभव है कि आप सच नहीं सुन रहे हैं। नंबर 5, सवाल पूछें। जब कोई आपसे झूठ बोले तो उससे सवाल पूछने में बिल्कुल ना हिचके। कई बार लोग सवाल का जवाब देने में इतने उलझ जाते हैं कि सच्चाई जुबान पर आ जाती है। कई बार सवाल पूछने पर झूठ बोलने वाला इधर उधर झांकने लगता है, यह स्वाभाविक है। लेकिन साधारण सवाल पूछने पर भी सामने वाला इधर उधर देखे, नजरें न मिलाए तो यह एक बड़ी पहचान है। नंबर 6, शारीरिक संकेतों को समझें। झूठे लोग आपसे नजरें मिलाने का दिखावा करेंगे। उनके शरीर का ऊपरी हिस्सा फ्रीज होगा। वे झूठी हंसी हंसने की कोशिश करेंगे। आवाज़ धीमी होगी। नंबर 7, बालों में हाथ फेरना। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि झूठ बोलते समय लोग बार बार अपने बालों पर हाथ फेरते हैं या उंगलियां चटकाते हैं, क्योंकि उनके अंदर डर होता है कि कहीं उनका झूठ पकड़ ना लिया जाए। इसका मतलब यह है कि वह झूठ बोल रहा है। नंबर 8, आंखों में देखें। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो वो सामने वाले की आंखों में देखकर बात नहीं कर पाता है। बात करते समय उसकी नज़रें झुकी रहती हैं क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसका झूठ पकड़ ना लिया जाए। नंबर 9, मुँह ढकना। कई बार लोग झूठ के पकड़े जाने के डर से सामने सामने बात करने से बचते हैं। ऐसे में वे बातचीत के दौरान किसी ना किसी बहाने से मुँह ढककर बात करते हैं। अगर आपके आसपास भी कोई झूठ बोलते समय ऐसा करता हो तो आप उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। नंबर 10, नजरें चुराना। अगर सामने वाला बोलते वक्त आपसे आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो काफ़ी संभावना है कि वह आपसे झूठ बोल रहा है। और अगर आपकी लाख कोशिश के बावजूद उसने नज़रों से नज़रें मिला भी ली तो या तो वह बिना पलके झपकाए आपको घूरने के अंदाज में देखेगा या फिर बहुत ज़्यादा पलके झपकाएगा। दोस्तों, अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।